हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कोट्स ऑन एडवेंचर, अ स्मॉल डिग इनटू लाइफ ऑफ आर्स। हम जा रहे थे भोपाल एक शादी अटेंड करने। आज हमारे साथ आए थे आकांक्षा मैम और मयूरा मैम। ऑडियो सो गई थी एज यूजुअल और मौसम बहुत ही सुहाना था, एकदम क्लाउडी क्लाउडी था और बारिश भी नहीं हो रही थी। वी आर गोइंग टू स्टे इन जैनुमा पैलेस विच इज़ इन शामला हिल इन भोपाल। इट इज़ इन ए हेरिटेज साइट। यहाँ से एंट्री था। एंट्री करने के बाद वहाँ पे पहले तो पार्किंग था। यहाँ पे आपको वैले पार्किंग भी मिल जाती है। दिस प्लेस इज़ ओन्ड बाय नवाब्स ऑफ भोपाल एंड द एंटायर प्लेस रीक ऑफ लॉयल्टी। जैनुमा इज़ अ हेरिटेज भोपाल। देर इज़ बिग लॉबी इन द एंट्रेंस। ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी था और बहुत सारे पेंटिंग्स एंड पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे महाराजाओं के जो पहले यहाँ पे रहते थे, जिनका यहाँ पे ऑफिस था। हमने एंट्री किया, फिर डेस्क पे गए। डेस्क पे हमें अपना नाम और एड्रेस भरना था। वहाँ पे पहले आपको वेलकम ड्रिंक मिलता है। यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट्स एंड 2 बार्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले हम चलते हैं अपने रूम में, अपना सामान डंप करने हैं, हमें रेडी होना है क्योंकि हमें जाना है एक शादी में। जैनुमा पैलेस में आपको मिल जाएगी हाई एंड फैसिलिटीज सच एज चक्रा स्पा, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर, स्टीम एंड सोना एंड मैनी मोर थिंग्स। सबसे पहले एंट्री पे हमने स्विमिंग पूल देखा, वहाँ से हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। एज आई वॉज वॉकिंग थ्रू द कॉरिडोर द नवाब ऑफ बेगम्स वॉज सीन टू वॉक अलॉन्ग एज वी सी द गिल्ड पोर्ट्रेट्स एंड सेपिया टिंटेड फोटोग्राफ्स ऑन द वॉल्स ऑफ कॉरिडोर गेज डाउन एट अस। There were many celebrities there. Amir Khan and Anushka Sharma photos were also labeled there. This was the corridor and then we had our rooms. So basically, room mein entry karte yahan hai ye. And here we get the luggage. Hey. Just bathroom hai. Wow. Iron bhi hai. And the bathroom. हेलो जी, ये मैं हूँ एंड दिस इज द अमेजिंग रूम। ये था हमारा इम्पीरियल रूम। जहानुमा पैलेस में 5 टाइप्स ऑफ रूम्स अवेलेबल है। क्या बात है। रूम की अमेजिंग से बालकनी देखा और उसके बाद हम लोग रेडी होके चले गए थे शादी के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे तो हमें तैयार भी होना। नेक्स्ट डे हम सुबह सबसे पहले स्विमिंग पूल गए। अपेरेंटली हमें पहले नहाना है, देन वी कैन गो टू द स्विमिंग पूल। सो दिस इज द This is the sauna room. हम तैयार होके निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट जैनुमा के 4 रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट जो बाहर की तरफ था, एक अलग बिल्डिंग था उसका, वहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे था। हर फ्लोर पे, हर नुक एंड कॉर्नर पे इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्ट के फैक्ट्स रखे हुए थे। ये ब्यूटीफुल साल मेरा था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम चले गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट एरिया भी बहुत ब्यूटीफुल था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।
और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ब्रेकफास्ट में क्या था। ब्रेकफास्ट सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। मेरा पर्सनल फेवरेट वेफल्स होगा, उत्तपम होगा और एक फिश कटलेट था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बाकी सब कुछ भी बहुत टेस्टी था। कोल्ड कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल था। केक, स्वीट केक, ब्रेड, मफिन्स, एवरीथिंग वाज देयर एंड वाज वेरी टेस्टी। चहनुमा पैलेस की प्रॉपर्टी बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रॉपर्टी घूमा थोड़ा सा। प्रॉपर्टी पे क्या क्या है हम देखने गए। ड्यू को तो बहुत अच्छा लग रहा था, गार्डन्स, फ्लावर्स देखना उसे बहुत पसंद है, तो उसने वो इन्जॉय किया। फिर हमें पता चला कि पीछे के साइड पे हॉर्स भी है, तो हम लोग हॉर्स देखने गए। हॉर्स इतने ह्यूज और इतने बिग थे, उनके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। टेरेस था जहाँ से ओवरऑल व्यू दिख रहा था चहनुमा पैलेस की पूरी प्रॉपर्टी का। फिर हम निकल गए अपने घर के लिए चेकआउट करके, जो कि है सागर। हमें फिर 3.5 घंटे लगना था। बाय बाय।